पहुँचे सक्सेना स्वीट्स में, क्योंकि इनको काम है अपने टेंट का कारीगर के लिए आए हैं। तो अंकल जी से नमस्ते, तो अंकल जी से काम है इनको और बैठ जाते हैं। हैं नहीं होता मत ले, चल। तो यहाँ पे सामने ले लिया है छोटा सा एप्पल वाला। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मेरा नाम ममता, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ नाना ममता से। नाना ममता इनको काम है और अंकल जी से, तो हम यहाँ रखे हैं। तो अभी जाएंगे हम इसके बाद गुरुद्वारा। ये कारीगर हैं खुद से और इनकी होटल भी है और स्वीट्स की दुकान भी है। तो यहाँ पर जलेबियाँ समोसे बन रखे हैं। समोसे खाएंगे। तो ये है कारीगर अंकल। तो यहाँ पर ना समोसे आ गए हैं, ये मीठी चटनी के साथ। तो सही मेरे साथ। तो ये मत करना हम तो। यहाँ पर ना हमारा काम हम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा। और अभी यहाँ पर हैं हम ये गुरुद्वारा से थोड़े से आगे पे, जहाँ था घुस रही है ये। क्यों घुस रही है ऐसे? तो हम जा रहे पहले लंगर, यहाँ नंगे सर नहीं रखते हैं। अभी सानू लोग, ये लोग भी ढकेंगे अपने सर पे। अब लड़कियों के पास तो दुपट्टा होता है, तो दुपट्टे से ढक लेते हैं अपना सर। यहाँ पे हम खोल लेंगे चप्पल अपने, तो हम धो लेंगे हाथ वाथ। और यहाँ पे ये नल की व्यवस्था इतनी अच्छे से कर रखी है। सर में बात ना हुआ यहाँ से अंदर के लिए, तो चढ़ा रखे हैं झाड़े नमक। तो ये लगा रहे हैं वॉशरूम हो यार। तो यार बहुत शांति मिल रही है यहाँ के, बिल्कुल शांत सा माहौल है गुरुद्वारे के अंदर। तो हम जा रहे हैं मच्छी देखने, मछली देखने जा रहे हैं हम। ये हाँ इसे मछली, ओ देख 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 देख, यहाँ देख, यहाँ देख ना, यहाँ पे मछली देखने आए हैं। लेकिन ये सामने ना इतनी बड़ी मछली है, मेरे को ही डर लग रही है। ये नीचे जा रही है, नीचे नहीं जाते हैं कह रही है, दिख नहीं रही है मछलियाँ। हाथ लगाते ले, ऐसा कर ले, मुंह में लगा। इतनी बड़ी काली मछली सन। हाँ।
मच्छी देखी? हाँ। कितने देखी? अभी यहाँ पे नहीं है, ये आ गए आ गए आ गए। ये कितने सारी मछली है? उधर मुझे बम होगी नीचे, बम उधर बम होती है नीचे। पहली फोटो खींचने पानी सानू पानी खींचे सानू पानी खींचते फोटो खींचे। चलो मौसम में यहाँ पर ना मस्त से ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं बैठने का मन कर रहा है आज। और बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। इसकी ना मैं ढूंढे, जल्दी आ घर जा रहे, जल्दी आ। तो सानू के पापा यहाँ लगे थे मैट फोल्ड करने, तो सानू और मैं घूम रहे थे यहाँ पे, और सानू इतनी मस्ती कर रही थी क्योंकि यहाँ पे पिछली खुली खुली जगह है, तो इसके घूमने के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे दो भैया लोगों को और बुलाए इन्होंने, वो उन्होंने भी हेल्प करी, तो सब लग के यहाँ पे मैट फोल्ड कर रहे थे। तो ये आ गए मैट फोल्ड करके, और सभी जगह शायद मौसम ख़राब हो रहा है इस वजह से कर रहे होंगे ना मैट फोल्ड। और सानू भाई ये पानी में, हम भी जाएंगे पानी में। हाँ पानी में ही रहने का मन कर रहे हैं। तो ये लोग आ रखे हैं बरेली से दर्शन करने, जो जैसा कर रहा वैसे कर रहे नकल जी। गुरुद्वारा के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत चोरी छुपे बना ही लिया है। और अब हम चल रहे हैं, गुरुद्वारा के दर्शन हो गए हमारे, और हमने लंगर वंगर भी खा लिए, तो मौसम भी खराब हो रहा है, तो हम जा रहे हैं घर को, तो देखते हैं रास्ते में क्या होता है। हम पहुंच गए थे 3:30 बजे, और बादल तो लगा है लेकिन गर्मी बहुत है। और मैं आई हूँ सानू को लिखाने, और सानू का गुड्डा लेके भी आई हूँ क्योंकि इसने फाड़ फाड़ के ना पूरा ये अंदर के सब इसके आँत मात सब निकाल दिए हैं इसने। तो मैं यहाँ पे ना सानू का गुड्डा भी सिल रही हूँ, और सब्जी भी लाई हूँ काटने के लिए, सानू के लिए केला लाए ले जाओ बोल रहे। तो यहाँ पे सब्जी भी लाई हूँ, और मेरे को ये भी सिलना है, और सानू को काम भी कराना है। काम कराने के बाद फिर मैं बना रही हूँ आज मलाई, मलाई निकाल के रखी है मैंने सुबह से, तो अभी हम नीचे जाएंगे फिर बनाएंगे वो। अभी इसको थोड़ा सा मैं काम करा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर ना मैंने सुबह ही मलाई निकाल के रख दी, अब बनाएंगे हम मलाई, और ये करेंगे मेरी मदद। आए हम मिक्सी, मलाई और पानी, तो ये भी बनाएंगे। अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, काफ़ी गर्मी है भाई। तो यहाँ पर मलाई बननी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, सॉरी वो मक्खन। तो छोटा पंखा भी लगा रखा है, और सामने भी आ रखी है, क्या आप हेल्पर है हमारे मेरे। बनाइए
यहाँ पर ना मिक्सी में हो नहीं रहे, तो इसलिए हम इसको हाथ से बना रहे हैं। अब सारा इन्होंने इसमें डाल दिया, सब एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पर चले गए हैं, तो दूसरी हेल्पर आई है, लेकिन मुंह नहीं दिखाना है, हाथ ही हाथ दिखाना है। तो ये बना रहे हैं हम कुकर में। तो यहाँ पे ना काफी गर्मी हो गई है, क्योंकि हवा हवा कुछ नहीं चल रही है बाहर, और उमस है। और मैं बना रही थी खाना, ये देख सकते हो पूरे मुंह पसीने से, ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी से धो रखा है मैंने। भिंडी की सब्जी बनाई है ये, और घी रखा है एक चूल्हे में। अब घी भी लगभग होने वाली है, थोड़ा टाइम और लगेगा मतलब। तो मैंने इसको हल्के आंच में रखे है ये। तो इसी के साथ करती हूँ आज की ब्लॉग की एंडिंग। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तो तब तक जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।